डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव आज आप लोगों को फाइलम कॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगी। फाइलम कॉर्डेटा को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला ग्रुप प्रोटोकॉर्डेटा या ए क्रेनिया तथा दूसरा ग्रुप यू कॉर्डेटा या क्रेनिएट। प्रोटोकॉर्डेटा यह शब्द दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, प्रोटोज जिसका मतलब है फर्स्ट और कॉडी जिसका मतलब कॉड, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो कि सबसे पहले उत्पन्न हुए थे, प्रीमेटिव हैं यानी कि प्राथमिक हैं, ऐसे कॉर्डेट्स प्रोटोकॉर्डेट्स कहलाते हैं। इनको इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स भी कहा जाता है। प्रोटोकॉर्डेट्स में हेड तथा क्रेनियम अनुपस्थित होते हैं, इसलिए इनको एक्रेनिया भी कहा जाता है। एक्रेनिया ये शब्द ग्रीक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। ए का मतलब और कैरियन यानी कि हेड। हेड एब्सेंट अगर हो तो ऐसे एनिमल्स एक्रेनिया ग्रुप में आते हैं। दीज ये जो एनिमल्स हैं ये लोअर कॉर्डेट्स हैं। ग्रुप प्रोटोकॉर्डेटा को तीन सब फाइला में डिवाइड किया जाता है। पहला ग्रुप है हेमिकॉर्डेटा, दूसरा ग्रुप है यूरोकॉर्डेटा और तीसरा सिफेलोकॉर्डेटा। अब फाइलम के करेक्टर्स की बात करते हैं। हेमिकॉर्डेटा या इसका दूसरा नाम है एडिलोकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा ये इनको पहले एक अलग सब फाइलम में कंसिडर किया जाता था, लेकिन अब आजकल इसको नोटोकॉर्ड की उपस्थिति के कारण, क्योंकि नोटोकॉर्ड जो है इसमें वास्तविक नहीं है, लेकिन यह एक स्टोमोकॉर्ड या बक्कल डाइवर्टिक कोलम है जो कि प्री ओरल रीजन में उपस्थित होती है, इसलिए हेमिकॉर्डेट्स को अब कॉर्डेट से हटा दिया गया है और इसको एक स्वतंत्र इनवर्टिब्रेट फाइलम की तरह ट्रीट किया जाता है। इन एनिमल्स को टंग वर्म्स कहा जाता है। ये एनिमल्स समुद्री होते हैं, सॉलिटरी या कॉलोनियल वर्म लाइक होते हैं। इनमें सिलोम एंटीरोसिलिक टाइप की होती है और ज़्यादातर ये एनिमल्स ट्यूब्स में रहते हैं। इनका शरीर तीन अनइक्वल या तीन असमान भागों में बटा होता है, प्रोबोस्किस, कॉलर तथा ट्रंक। इनमें इनकी ज़्यादातर फॉर्म्स में एक या कई गिल स्लिट्स की पेयर्स उपस्थित होते हैं जो कि फेरिंग से लेकर बाहर तक फैले रहते हैं। इनमें कोई बॉडी बोनी टिश्यू नहीं होता, लेकिन एक बक्कल डाइवर्टिकुलम उपस्थित होता है जो कि शरीर के प्री ओरल रीजन में होता है, इसलिए इसको ज़्यादातर नोटोकॉर्ड के रूप में माना गया था। इनका डेवलपमेंट कुछ एनिमल्स में डायरेक्ट होता है जबकि कुछ में इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष होता है, जिसमें एक लार्वा अवस्था पाई जाती है जिसे टॉर्नेरिया लार्वा कहा जाता है। इनके इसमें उदाहरण दूसरा सब फाइलम है यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकोटा ट्यूनिकेटा। यूरोकॉर्डेट्स को सामान्यतः सी स्क्वायर्स या एसिडियंस कहा जाता है। कई कॉर्डेट्स में एडल्ट्स में कॉर्डेट करेक्टर्स लॉस्ट हो जाते हैं, लेकिन इनकी कॉर्डेट से एफिनिटीज या बंधुता उनके फ्री स्विमिंग लार्वे में दिखाई देती है, जिनमें फेरिंजल गिल क्लेफ्ट्स होते हैं, एक डॉर्सल ट्यूबुलर सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है तथा एक नोटोकॉर्ड होती है तथा इन लार्वा में टेल उपस्थित होती है। क्योंकि इनमें कॉर्डेट का जो करेक्टर रीजन में लार्वा के टेल रीजन में ही उपस्थित होती है, इसलिए इनका नाम यूरोकॉर्डेटा रखा गया है। मेटामॉर्फोसिस के दौरान इनके कॉर्डेट करेक्टर्स लॉस्ट हो जाते हैं, लेकिन केवल गिल क्लेफ्ट्स या गिल स्लिट्स बचे रहते हैं जो कि बाहर की तरफ नहीं खुलते, लेकिन एक दूसरी गुहा जो कि एक्टोडर्म से लाइंड रहती है जिसे एट्रियम कहते हैं उसमें खुलते हैं। इनमें शरीर एक प्रोटेक्टिव कोट द्वारा ढका रहता है जिसे टेस्ट या ट्यूनिक कहते हैं।
इस ट्यूनिक की उपस्थिति के कारण ही इनका नाम ट्यूनिकेटा रखा गया है। ट्यूनिक ट्यूनिसिन की बनी होती है। ट्यूनिसिन सेल्युलोज के समान एक रासायनिक पदार्थ है। इनमें डेवलपमेंट अप्रत्यक्ष होता है। इनमें एक फ्री स्विमिंग टेल युक्त लार्वा पाया जाता है। इस लार्वा में सभी बेसिक कॉर्डेट करेक्टर्स उपस्थित होते हैं। इनमें मेटामॉर्फोसिस रिट्रोग्रेसिव होता है। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस यानी कि ऐसा मेटामॉर्फोसिस जिसमें लार्वा एडल्ट की अपेक्षा अधिक एडवांस हो, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि लार्वा में सभी कॉर्डेट करेक्टर्स उपस्थित होते हैं और वो फ्री स्विमिंग है, उनमें टेल भी होती है, लेकिन जो एडल्ट हैं वो उनमें हम कॉर्डेट्स के करेक्टर्स नहीं देखते और वो स्थिर होते हैं, वो स्वतंत्र रूप से गति भी नहीं कर सकते, स्वतंत्र रूप से तैर नहीं सकते। इसलिए जब लार्वा से एडल्ट बनता है तो ऐसा मेटामॉर्फोसिस रिट्रोग्रेसिव कहलाता है। इनके उदाहरण है हर्डमानिया, एसिडिया, डोलियोलम, साल्पा। तीसरा सब फाइलम है सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेट्स छोटे मेराइन फिश की तरह के एनिमल होते हैं। इनमें सभी मुख्य कॉर्डेट करेक्टर्स होते हैं। इनमें नोटोकॉर्ड शरीर की पूरी लंबाई तक फैली रहती है और यह नर्वस सिस्टम स्नाउट के टिप पर नर्वस सिस्टम से भी आगे की तरफ प्रोजेक्ट होती है, इसलिए इनका नाम सिफेलोकॉर्डेटा रखा गया है। ग्रीक शब्द है ये, ग्रीक वर्ड सिफेले मतलब हेड तथा कॉर्डी यानी कि कॉर्ड। हेड रीजन में भी अगर कॉर्ड नोटोकॉर्ड उपस्थित हो तो इसलिए इनको सिफेलोकॉर्डेटा कहा जाता है। इनमें एक डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व ट्यूब होती है जिसमें, लेकिन उनमें निश्चित ब्रेन उपस्थित अनुपस्थित होता है। फेरिंग्स बड़ी होती है जिसमें कई गिल क्लेफ्ट होते हैं, लेकिन ये बाहर की तरफ नहीं खुलकर एक्टोडर्म लाइंड कैविटी एट्रियम में खुलते हैं। इनमें मेटामेरिज्म यानी कि खंडी भवन वेल मार्क्ड होता है, अच्छी तरह से दिखाई दे सकता है, और ये मेटामेरिज्म जो है इस तरह इतना प्रोमिनेंट होता है कि इनके गोनेड्स तक सेगमेंटल होते हैं, उदाहरण एम्फियोक्सिस या ब्रेंकियोस्टोमा। अभी तक हम प्रोटोकॉर्डेट्स की बात कर रहे थे, जो अब हम यूकॉर्डेटा की बात करते हैं। यूकॉर्डेटा, यू का मतलब होता है वेल डेवलप्ड और कॉर्डी मतलब कॉर्ड, यानी ऐसे कॉर्डेट्स जो कि वेल डेवलप्ड हो, जो कि हायर कॉर्डेट्स हैं जिनमें एक हेड तथा क्रेनियम उपस्थित होती है, उनको यूकॉर्डेटा के अंतर्गत रखा जाता है। क्योंकि इनमें हेड और क्रेनियम है इसलिए इनको क्रेनिएटा भी कहा जाता है। क्रेनिएटा ग्रीक वर्ड से बना हुआ है कैरियोन, जिसका मतलब होता है हेड, यानी कि जिनमें हेड उपस्थित है। यूकॉर्डेटा में एक सब फाइलम वर्टिब्रेटा आता है। वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रा ये शब्द लैटिन है वर्टिब्रेटस यानी कि बैकबोन। वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड एक वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन द्वारा सप्लीमेंटेड या रिप्लेस्ड विस्थापित हो जाती है। बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम कई ओवरलैपिंग एक दूसरे से ढकने वाली वर्टिब्रे की बनी होती है। इनमें बॉडी हेड नेक ट्रंक और टेल में विभाजित होती है। वर्टिब्रेटा कॉर्डेटा का सबसे लार्जेस्ट सब फाइलम है। वर्टिब्रेटा सब फाइलम को फिर दो डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है, एक नेथा तथा ग्नेथोस्टोमेटा। एक नेथा एक का मतलब होता है एब्सेंट या नहीं, जिस मतलब नहीं हो, और ग्नेथोस का मतलब होता है जॉज, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनमें वास्तविक जॉज नहीं है, जॉलेस एनिमल्स हैं, उनको एक नेथा के अंतर्गत रखा जाता है। ये प्रिमिटिव फिश लाइक वर्टिब्रेट्स होते हैं। इनमें पेयर्ड अपेंडिजेस नहीं होते। इनमें इंटरनल ईयर में दो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं और इनके एडल्ट्स में नोटोकॉर्ड स्थायी अवस्था में बनी रहती है, यानी कि
एडल्ट में भी हम नोटोकॉर्ड देख सकते हैं। दूसरा डिवीजन ग्नेथोस्टोमेटा, ग्नेथो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है जॉ, स्टोमा यानी कि माउथ, यानी कि इन ऐसे एनिमल्स जिनके मुख में जॉज या जबड़े उपस्थित हों। जॉड वर्टिब्रेट्स को ग्नेथोस्टोमेटा के अंतर्गत रखा जाता है। इनमें वास्तविक जॉज और पेयर लिम्स उपस्थित होते हैं। इनमें इंटरनल इनर ईयर में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं। इनमें नोटोकॉर्ड या तो बनी रह सकती है पूरे जीवन भर या फिर वर्टिब्रल कॉलम द्वारा रिप्लेस्ड हो जाती है। अब हम प्रोटोकॉर्डेट्स के तीनों सब फाइलम्स के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा को एंटीरियर प्नोस्टा, इसकी ये इनकी पहली क्लास है, उसमें डिवाइड किया गया है। ग्रीक वर्ड एंटीरोन, इसका मतलब है गट, तथा न्यूस्टोस यानी कि ब्रीथ। ये एनिमल्स सॉलिटरी यानी कि एकल होते हैं, फ्री स्विमिंग या बरोइंग एनिमल्स हो सकते हैं। इनको कॉमनली एक्रोन या टंग वर्म्स कहा जाता है। इनका शरीर लंबा होता है, क्रीमिनुमा होता है जिसमें कोई स्टॉक नहीं होती। इनमें प्रोबोस्किस सिलेंड्रिकल तथा आगे की तरफ टेपरिंग होती है। कॉलर में सिलेटेड आर्म्स या लोफोफोर नहीं होते। एलिमेंट कैनाल इनकी स्ट्रेट होती है, सीधी होती है, तथा माउथ और एनस एक दूसरे के विपरीत सिरों में उपस्थित होते हैं। इनमें फिल्टर फीडिंग पाई जाती है। इनमें कई पेयर्स गिल स्लिट्स होते हैं जो कि यू शेप्ड होते हैं। इनमें लिंग पृथक होते हैं, जनत कई होते हैं और सैक लाइक होते हैं। इनका डेवलपमेंट जो अप्रत्यक्ष होता है और इनमें जो लार्वी अवस्था होती है उसको टॉर्नेरिया कहा जाता है। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। उदाहरण बेलेनोग्लोसिस, सेकोग्लोसिस, प्रोटोग्लोसिस, टी कॉर्डिरा, स्पेंजिला। दूसरी क्लास है टीरोब्रैंकिया, ग्रीक वर्ड टीरोन जिसका मतलब है फेदर, तथा ब्रैंकियन यानी कि किल। ये सॉलिट्री या कॉलोनियल एनिमल्स होते हैं। ये सेसाइल या ट्यूबिकोलस तथा ट्यूबिकोलस एनिमल्स होते हैं जो कि काइटिनस ट्यूब्स के अंदर रहते हैं। इनका शरीर छोटा कॉम्पैक्ट होता है जिनमें स्टाक उपस्थित होती है, स्टाक या व्रंथ जो कि शरीर को आधार से चिपकने में मदद करती है। प्रोबोस्किस शील्ड लाइक होता है। कॉलर में सिलिएटेड आर्म्स यानी कि लोफोफोर प्रेजेंट होते हैं। इनकी एलिमेंट्री कैनाल यू शेप्ड होती है तथा इनमें एनस माउथ के निकट डॉर्सल साइड में उपस्थित होता है। इनमें सिलियरी फीडिंग पाई जाती है। इन एनिमल्स में गिल स्लिट्स या तो एक जोड़ी होते हैं या अनुपस्थित हो सकते हैं, लेकिन ये यू शेप्ड नहीं होते। इनमें सेक्सेस पृथक हो सकते हैं या यूनाइटेड भी हो सकते हैं। गोनेड्स एक या एक जोड़ी हो सकते हैं। इनमें डेवलपमेंट या परिवर्धन प्रत्यक्ष हो सकता है या अप्रत्यक्ष भी हो सकता है जिसमें लार्वा अवस्था पाई जाती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ में पाया जाता है जो कि बडिंग द्वारा होता है। इनका एक ऑर्डर है रेबडोप्लूरिडिया। ये एनिमल्स कॉलोनियल होते हैं और इनके जॉइड्स एक स्टोलन द्वारा कनेक्टेड रहते हैं। कॉलर में 2 टेंटोक्यूलेटेड आर्म्स होती हैं। गिल स्लिट्स अनुपस्थित होते हैं तथा गोनेट सिंगल होती है। इसका केवल एक ही जीनस है रेबडोप्लूरा और इसी के नाम से इस ऑर्डर का नाम है रेबडोप्लूरिडा। दूसरा ऑर्डर सिफेलोडिस्का। ये सॉलिटरी या हो सकते हैं या कॉलोनियल भी हो सकते हैं जिनमें कई जॉइंट्स होते हैं जो कि एक कॉमन जिलेटिनस केस में
रहते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से अनकनेक्टेड जुड़े हुए नहीं होते। इनके कॉलर में कई टेंटेक्यूलेटेड आर्म्स होती हैं, गिल स्लिट्स एक जोड़ी होते हैं, गोनेड्स भी एक जोड़ी होते हैं। उदाहरण सिफेलोडिस्कस एटूबेरिया। सिफेलोडिस्कस के नाम से ही इस ऑर्डर का नाम सिफेलोडिस्ड रखा गया है। तीसरी क्लास है प्लैंक्टोस्फेरोइडिया। ये क्लास कई छोटे राउंडेड ट्रांसपेरेंट तथा पिलेजिक लार्वे द्वारा रिप्रेजेंटेड होती है, जो कि कहा गया ये सोचा जाता है कि ये कुछ अननोन हेमिकॉर्डेट्स के कुछ स्पेशलाइज्ड टॉर्नेरिया लार्वा की तरह हैं। इन्हें प्लैंक्टोसिफेरिया पिलेजिका कहा जाता है। इनकी लार्वल बॉडी ब्रांच सिलियरी बैंड्स द्वारा कवर्ड रहती है तथा इनकी एलिमेंट्री कैनाल एल शेप्ड होती है। चौथी क्लास है क्रैप्टोलिटा। ये फॉसिल फॉर्म्स हैं। इनकी क्रैप्टोलाइट्स की फॉसिल्स जो हैं वो ऑर्डोविसियन तथा सिलूरिनियन पीरियड्स में मिलते हैं। इनको एक्सटिंक्ट क्लास के अंतर्गत रखा जाता है। इनकी इनमें ट्यूबुलर काइटिनस स्केल्टन होता है तथा कॉलोनियल इनकी हैबिट्स हैं, जो कि जिसके कारण से इन ये रेप्टोप्लूरा से बंधुता दिखाते हैं। अब हम यूरोकॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। यूरोकॉर्डेटा की पहली क्लास है एसिडिएसिया। इसके निम्न लक्षण हैं: ये सॉलिटरी कॉलोनियल बॉटम लिविंग यानी कि आधार में रहने वाले प्राणी होते हैं। इनमें इनकी जो आकार और साइज जो है वो विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। इनका टेस्ट परमानेंट होता है, वेल डेवलप्ड सुविकसित होता है तथा मोटा होता है। इनमें एट्रियम पाई जाती है, जो कि डॉर्सल साइड में एट्रियोपोर द्वारा खुलती है। फेरिंग्स बड़ी होती है, जिसमें कई परमानेंट गिल स्लिट्स उपस्थित होते हैं। सेक्सेस यूनाइटेड होते हैं। इनमें लार्वा फ्री स्विमिंग होता है तथा हाईली डेवलप्ड होता है। एडल्ट अधिकतर सेसाइल होते हैं, यानी कि जो गति नहीं कर सकते फिर होते हैं, लेकिन मेटामॉर्फोसिस रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के बाद जब रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के बाद ये जो एडल्ट्स बनते हैं वो सेसाइल होते हैं, जबकि इनकी जो लार्वा अवस्था है उनमें नोटोकोर नर्वकोर तथा टेल होती है, जो कि रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के दौरान खत्म हो जाती है और उस समय इनका ब्रेन भी रिड्यूस्ड होकर डॉर्सल गैंग्लियन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इनमें स्टोलन सिंपल या नहीं पाया जाता। इनमें ऑर्डर है एंटीरोगोना। इनका शरीर कई बार थोरेक्स तथा एब्डोमेन में डिवाइड होता है। अधिकतर यूरिनरी न्यूरल ग्लैंड वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होती है गैंग्लियन के रूप में। गोनेड एक होता है, जो कि इंटेस्टाइनल लूप में या उसके पीछे स्थित होता है। लार्वा में दो सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ओसिलाई तथा ऑटोलिथ। इसका सब ऑर्डर है फिलोब्रैंकिया। फेरिंग्स में इंटरनल लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स उपस्थित होती हैं। बडिंग बहुत कम होती है, उदाहरण एसिडिया साइना फेलुसिया। दूसरा सब ऑर्डर है एप्लोसोब्रैंकिया। इनमें फेरिंग्स में लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स नहीं होती और अधिकतर बडिंग पाई जाती है, एग्जाम्पल क्लेविलिना। दूसरा ऑर्डर है प्लूरोगोना। प्लूरोगोना ऐसे एनिमल्स में बॉडी कॉम्पैक्ट होती है तथा अनडिवाइडेड होती है। न्यूरल ग्लैंड डॉर्सल या लेटरल होती है। गोनेड्स दो होते हैं तथा दो या अधिक हो सकते हैं तथा ये मेंटल वॉल में धसे रहते हैं। लार्वा में सेंस ऑर्गन्स ऑटोलिथ प्रेजेंट होता है, सेपरेट आई अनुपस्थित होती है, एग्जांपल हर्डमानिया बोट्राइलस मोल्गुला स्टाइला।
क्लास दो थैलिएसिया। इनके एडल्ट्स फ्री लिविंग पिलेजिक होते हैं जो कि वार्म तथा टेम्परेट सीज में समुद्रों में पाए जाते हैं। ये सॉलिटरी या कॉलोनियल हो सकते हैं। इनकी बॉडी शेप तथा साइज विभिन्न प्रकार की हो सकती है। इनका ट्यूनिक परमानेंट थिन तथा ट्रांसपेरेंट होता है। इनमें सर्कुलर मसल बैंड्स पाए जाते हैं। एट्रियोपोर शरीर के पोस्टीरियर साइड में लोकेटेड होता है। फेरिंग्स में दो बड़े या कई छोटे गिल स्लिट्स उपस्थित हो सकते हैं। सेक्सेस यूनाइटेड होते हैं। लार्वा हो भी सकता है या अनुपस्थित हो सकता है। एडल्ट्स में नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड तथा टेल नहीं होते। इनमें एसेक्सुअल बडिंग के द्वारा एक कॉम्प्लेक्स स्टोलन बनता है। एक कॉम्प्लेक्स स्टोलन द्वारा एसेक्सुअल बडिंग होती है तथा लाइफ हिस्ट्री में जीवन चक्र में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है। ऑर्डर पाइरोसोमीडा। इनकी कॉलोनी कॉम्पैक्ट होती है, ट्यूबुलर होती है। ये एक सिरे से बंद रहती है तथा लाइफ में ये फॉस्फोरिसेंट होते हैं क्योंकि इनमें सिम्बायोटिक ल्यूमिनिसेंट मतलब रोशनी देने वाले बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। इनके जॉइंट्स एक कॉमन टेस्ट में धसे रहते हैं। इनके मसल बैंड्स बॉडी एंड्स में स्थित होते हैं। गिल स्लेट्स लंबे कई होते हैं। इनकी संख्या 50 तक हो सकती है। इनमें कोई फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज नहीं होती। ये बडिंग द्वारा जनन करते हैं। इसका एक उदाहरण है पाइरोसोमा। दूसरा ऑर्डर है डोलियोलिडा, या इसका दूसरा नाम है साइक्लोमायरिया। इनमें बॉडी बैरल शेप्ड होती है। मसल बैंड्स 8 कंप्लीट रिंग्स बनाते हैं। गिल स्लिट्स छोटे होते हैं। इनकी संख्या कुछ से लेकर कई तक हो सकती है। इनमें एक टेल लार्वा उपस्थित होता है जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। उदाहरण डोलियोलम या डोलियोप्सिस। ऑर्डर 3 साल्पीडा या डेस्मोमायरिया। इनमें बॉडी सिलिंड्रिकल या प्रिज्म शेप होती है। मसल बैंड्स वेंट्रली इनकम्प्लीट होते हैं। फेरिंग्स एट्रियम से जुड़ी रहती है। एक लार्ज गिल स्लिट द्वारा जुड़ी रहती है। इनमें टेल लार्वा अनुपस्थित होता है। उदाहरण साल्पा तथा सेकिलोसाल्पा। क्लास 3 लार्वेसिया, या इसका दूसरा नाम है अपेंडिकुलेरिया। ये छोटे होते हैं, सॉलिटरी तथा फ्री स्विमिंग होते हैं, पिलेजिक होते हैं, नियोटेनिक लार्वा लाइक फॉर्म्स होती हैं, जिनमें परमानेंट टेल नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड तथा ब्रेन होते हैं। टेस्ट एक टेम्परेरी हाउस बनाता है जो कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद चेंज होता हो जाता है या रिन्यू हो जाता है। एट्रियम तथा एट्रियल अपर्चर एब्सेंट होते हैं। गिल स्लिट्स 2 होते हैं जो कि स्वतंत्र रूप से बाहर खुलते हैं। सेक्सेस यूनाइटेड होते हैं। मेटामॉर्फोसिस नहीं होता। यहाँ पर हमने एक नई टर्म पढ़ी है नियोटेनिक। नियोटेनिक यानी कि जब लार्वा जो है वो ही एडल्ट की तरह से काम करने लग जाए तो उसको न्यूटेनी लार्वा बोलते हैं। इसलिए इन लार्वा में इन जो कि एडल्ट की तरह ही होते हैं, इनमें कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं होता। इसका ऑर्डर है एंटोस्टाइलोफोरा। इनमें हाउस बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है जिसमें सेपरेट इनहेलेंट और एक्सहेलेंट अपर्चर्स होते हैं। फेरिंग्स में एंडोस्टाइल होता है। उदाहरण ओइकोप्लूरा एपेंडिकुलेरिया। ऑर्डर 2 पॉलीस्टाइलोफोरा। हाउस बायलेट रेडियली सिमेट्रिकल होता है जिसमें एक सिंगल अपर्चर होता है।
फेरिंग्स में एंडोस्टाइल नहीं होती, उदाहरण कॉवेल बेस्किया। अब हम सिफेलोकॉर्डेटा क्लासिफिकेशन देखते हैं। सिफेलोकॉर्डेटा ऐसा सब फाइलम है जिसमें केवल एक ही क्लास आती है, जिसका नाम है लेप्टोकार्डाई। इसलिए इस क्लास के करेक्टर्स वही है जो कि सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा के हैं। इसके अंतर्गत एक ही फैमिली ब्रांचियोस्टोमिडी आती है, जिसमें दो जेनरा हैं, ब्रांचियोस्टोमा तथा एसिमेट्रोन। एसिमेट्रोन जो है ब्रांचियोस्टोमा से अलग है क्योंकि इसमें बॉडी के राइट साइड में एक अनपेयर्ड गोनेट्स होती हैं तथा इनमें एसिमेट्रिकल मेटाप्लूरल फोल्ड्स होते हैं। अभी तक हमने प्रोटोकॉर्डेट्स के क्लासिफिकेशन देखे, अब हम इसका डिवीजन देखते हैं। बट एक यूकॉर्डेटा या क्रेनिएटा का डिवीजन देखते हैं। डिवीजन फर्स्ट एग्नेथा। एग्नेथा को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहली क्लास ऑस्ट्रेकोडर्माई, ग्रीक वर्ड है ऑस्ट्रेकोन जिसका मतलब है शेल, और डर्मा यानी कि स्किन। इनमें कई एक्सटिंक्ट ऑर्डर्स आते हैं जो कि पुराने समय के हैं, प्रीमिटिव हैं, हैविली आर्मर्ड होते हैं, पैलियोज़ोइक समय में पाए गए हैं, दुनिया के फर्स्ट वर्टिब्रेट्स हैं। इनको कलेक्टिवली ऑस्ट्रेकोडर्म्स कहा जाता है, उदाहरण सिफेलेप्सिस और ड्रिपेरेप्सिस। क्लास दो साइक्लोस्ट्रोमेटा। साइक्लो ग्रीक वर्ड साइक्लोस यानी कि सर्कुलर, स्टोमा यानी कि माउथ। इनका शरीर ईल की तरह होता है, ईल शेप्ड होता है, इनमें स्केल्स नहीं होते, जॉस तथा लेटरल फिन्स भी नहीं होते। इनमें माउथ राउंडेड होता है तथा सक्टोरियल यानी कि चूषकीय, चूसने वाला ऐसा माउथ जो कि चूसने की क्षमता रखता हो। गिल्स 5 से 16 जोड़ी तक हो सकते हैं। हार्ट 2 चैम्बर्ड होते हैं जिसमें एक ओरिकल तथा एक वेंट्रिकल होता है। इनके रक्त में न्यूक्लिएटेड सर्कुलर यूरिथ्रोसाइट्स पाई जाती हैं। इनमें एक सिंगल मीडियन ऑल्फैक्ट्री सैक होता है तथा एक सिंगल मीडियन नोस्ट्रिल पाया जाता है। इस क्लास में दो ऑर्डर्स आते हैं। ऑर्डर फर्स्ट पेट्रोमाइजोंटी फॉर्मेस, ग्रीक वर्ड टेरोस यानी कि स्टोन तथा माइजोन यानी कि सक। इस ऑर्डर के मेंबर्स को लैम्प्रेज या लैम्पर ईल्स या लैम्प्रंस या सैंड प्राइड कहा जाता है। इनका माउथ वेंट्रल होता है, एक जो कि एक बक्कल फनल के में स्थित होता है जिसमें कई हॉर्नी टीथ उपस्थित होते हैं। ये माउथ सक्टोरियल होता है यानी कि जिसमें चूसने की क्षमता होती है। दूसरा करैक्टर है नोस्ट्रिल। इनमें नोस्ट्रिल डोर्सल साइड में होता है। इनके नेजोफेरिंजियल सैक पीछे से बंद होते हैं यानी कि फेरिंग से जुड़े नहीं रहते। इनमें गिल पाउचेस तथा गिल स्लिट्स के 7 जोड़ी पाए जाते हैं। डोर्सल फिन वेल डेवलप्ड होता है। ब्रैंकियल बास्केट कंप्लीट होती है। इनके स्पाइनल नर्व्स के रूट्स के डोर्सल तथा वेंट्रल रूट्स जो हैं वो सेपरेट होते हैं। इनके ईयर में 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं। इनमें ये कई एग्स देते हैं। इनके एग्स जो है वो न्यूमरस यानी कि कई होते हैं तथा छोटे होते हैं। इनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। लार्वा अवस्था पाई जाती है जिसे एमोसिट लार्वा कहते हैं तथा मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। ये मेराइन यानी कि समुद्र में रहने वाले या फ्रेश वाटर या अलवणीय जल में रहने वाले हो सकते हैं, उदाहरण पेट्रोमाइजोन, इक्थियोमाइजोन। दूसरा ऑर्डर है मिक्सिनिफॉर्मिस, ग्रीक वर्ड मिक्सा यानी कि स्लाइम और ओइडिया यानी कि टाइप ऑफ। ऐसे इन ऑर्डर्स के मेंबर्स को हैग फिशेस कहा जाता है। इनका माउथ टर्मिनल माउथ होता है जिसमें
चार जोड़ी टेंटिकल्स तथा कुछ दांत पाए जाते हैं। इनमें बक्कल फनल नहीं होता, नोस्ट्रिल टर्मिनल होता है तथा नेजोफेरिंजियल डक्ट फेरिंग्स में पीछे खुलती है। गिल पाउचेस 6 से 15 जोड़ी होते हैं तथा गिल स्लिट्स 1 से 15 जोड़ी होते हैं। इनमें डॉर्सल फिन एब्सेंट होता है। ब्रेंकियल बास्केट पुअरली डेवलप्ड होती है, यानी कि कम विकसित होती है। इनके स्पाइनल नर्व्स के डॉर्सल तथा वेंट्रल रूट्स यूनाइटेड होते हैं। ईयर में केवल 1 सेमी सर्कुलर डक्ट होती है। इनमें छोटे बड़े अंडे होते हैं। इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, यानी कि कोई लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती। ये सभी मेराइन होते हैं, समुद्र में पाए जाने वाले होते हैं। एग्जाम्पल मेगजिन, डेलोस्टोमा, पैरामिक्स। अब हम दूसरे डिवीजन ग्नेथोस्टोमेटा की बात करते हैं। ग्नेथोस्टोमेटा, इसको 2 सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया है, सुपर क्लास फर्स्ट पीसीज और सुपर क्लास सेकेंड टेट्रापोडा। पीसीज और टेट्रापोडा, इनमें क्या अंतर है? पीसीज जो हैं ये एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जबकि टेट्रापोडा ये इन डिफरेंट हैबिटेट्स में पाए जाने वाले प्राणी हैं। ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरिस्ट्रियल हो सकते हैं, कुछ आर्बोरियल भी होते हैं, एरियल भी हो सकते हैं। इनमें पेयर्ड लिम्स अगर उपस्थित हों, यानी कि पीसीज की बात हम कर रहे हैं, पीसीज में अगर पेयर्ड लिम्स हों तो वो फिन्स के रूप में होते हैं। जबकि टेट्रापोडा, नाम से पता चल रहा है, टेट्रा का मतलब चार, पोडा मतलब अपेंडेजेस, इनमें पेयर्ड पेंटाडेक्टाइल लिम्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि युग्मित पेंटाडेक्टाइल लिम्स प्रेजेंट हों। पिसीज में मीडियन फिन्स प्रेजेंट होते हैं, टेट्रापोडा में मीडियन फिन्स नहीं होते। पिसीज में स्किन मॉइस्ट तथा स्केली होती है, जबकि टेट्रापोडा में ज्यादातर स्किन ड्राई और कॉर्निफाइड होती है। पीसीज के प्राणी क्योंकि एक्वेटिक हैं, इसलिए इनमें रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा होता है, जबकि टेट्रापोडा में रेस्पिरेशन एरियल होता है, जो कि लंग्स के द्वारा किया जाता है। पीसीज में सेंस ऑर्गन्स पानी में फंक्शनल होते हैं, पानी में क्रियाशील होते हैं, जबकि टेट्रापोडा में सेंस ऑर्गन्स एयर में फंक्शनल होते हैं। सुपर क्लास पीसीज, पीसीज का लैटिन वर्ड है, पीसीज मतलब होता है फिश। फिशीज या फिश लाइक एक्वेटिक फॉर्म्स हैं। पेयर तथा मीडियन फिन्स पाए जाते हैं, गिल्स होते हैं, स्केली स्किन पाई जाती है। इनमें 3 क्लासेस आती है। पहली क्लास है प्लेकोडर्माई। ये कई एक्सटिंक्ट ऑर्डर से मिलकर बनी हुई क्लास है, जिसमें प्रीमिटिव अर्लीस्ट जॉर्ड फिशेज आती हैं, जो कि पैलियोजोइक पीरियड में मिलती थी, जिनमें बोनी हेड शील्ड मूवेबली आर्टिकुलेटेड होता है, और प्लेकोडर्म्स इनमें प्लेकोइड स्केल्स पाए जाते हैं, यानी कि ये प्लेकोडर्म्स हैं। उदाहरण क्लीमेटियस डिनिक्थिस। क्लास सेकेंड है कॉन्ड्रैक्टिस। कॉन्ड्रैक्टाइस यानी कि ग्रीक वर्ड कॉन्ड्रोस, कार्टिलेज, इक्थाइस मतलब फिश। ऐसी फिश जो कि जिनका स्केल जो कि कार्टिलेज की बनी हो, यानी ऐसी फिशेस को कार्टिलेजिनस फिशेस कहा जाता है। मोस्टली मेराइन होती हैं, कार्टिलेजिनस एंट्रोस्केल्टन है, स्किन में प्लेकोइड स्केल्स पाए जाते हैं, गिल स्लिट्स ओपरकुलम द्वारा ढकी नहीं रहती। पेल्विक क्लेस मेल में पेल्विक क्लेस्पर्स पाए जाते हैं। लगभग 600 स्पीसीज इनकी ज्ञात हैं। उदाहरण स्कॉलोडॉन या डॉग फिश, काइमीरा या रेड फिश। क्लास थर्ड ऑस्टेक्थिस। ऑस्टियोन का मतलब बोन, थाइस मतलब फिश, यानी कि ऐसी फिशेस को बोनी फिशेस कहा जाता है, जिनमें एंडोस्केल्टन बोनी होता है। ये फ्रेश वाटर या मेराइन दोनों तरह की फिशेज हैं। एंडोस्केल्टन मोस्टली बोनी होता है। स्किन में कई प्रकार के स्केल्स होते हैं, जैसे कि साइक्लोइड, टीनोइड आदि, जिनमें
लेकिन इनमें और इनके साथ में प्लेकर्ड स्केल भी मिल सकते हैं। गिल स्लिट्स ऑपरक्यूलम द्वारा कवर्ड रहते हैं, मेल्स में क्लेस्पर्स नहीं होते। 20,000 इनकी स्पीसीज हमें ज्ञात हैं, एग्जाम्पल लेबियो या रोहू, प्रोटोप्टेरस या जिसको लंग फिश कहा जाता है, हिप्पोकैम्पस या कॉमन नेम जिसका सी हॉर्स है। सुपर क्लास सेकेंड टेट्रापोडा, ग्रीक वर्ड टेट्रा मतलब फोर, पोडस मतलब फोर। लैंड वर्टिब्रेट्स हैं ये, जिनमें दो जोड़ी पेंटाडेक्टाइल लिम्स पाए जाते हैं। इनकी स्किन कॉर्निफाइड होती है, इनमें लंग्स रेस्पिरेशन के लिए होते हैं। इसमें फर्स्ट क्लास है एम्फीबिया, एम्फी का मतलब होता है बोथ, बायोस मतलब लाइफ, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो कि जल और थल दोनों में रह सकते हो। इनकी लार्वल अवस्था यूजुअली एक्वेटिक होती है, जो तथा ये लार्वी गिल्स द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं, जबकि एडल्ट टेरिस्ट्रल होते हैं और लंग्स द्वारा श्वसन करते हैं। इनकी स्किन मॉइस्ट होती है, ग्लैंडुलर यानी कि जिनमें ग्रंथियां पाई जाएं होती, तथा इनमें एक्सटर्नल स्केल्स या बाहरी स्केल्स नहीं होते। हार्ट 3-chambered होता है। इनकी लगभग 2,500 स्पीसीज हमें ज्ञात हैं, एग्जाम्पल राना या फ्रॉग, बुफो या टॉड, एम्बाइस्टोमा, सेलामेंडर आदि। क्लास 2 रेप्टिलिया, लेटिन वर्ड रेप्टिलिस मतलब क्रीपिंग, रेंग कर चलने वाले प्राणियों को रेप्टिलिया के अंतर्गत रखा गया है। ये टेरिस्ट्रियल टेट्रापोड्स हैं, इनकी स्किन सूखी होती है जो कि एक्टोडर्मल हॉर्नी स्केल्स या बोनी प्लेट्स द्वारा ढकी रहती है। इनका हार्ट इनकम्प्लीटली 4-chambered में विभक्त होता है। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, इनमें लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। इनकी लगभग 7,000 स्पीसीज पाई जाती हैं, उदाहरण हेमिडेक्टाइलस यानी कि घरेलू छिपकली, यूरोमेस्ट्रिक्स जिसको स्पाइनी टेल लिजर्ड कहते हैं, नाजा या कोबरा, स्फिनोडोन, क्रोकोडाइल, ये सारे के सारे इसके एग्जांपल्स हैं। क्लास 3 एवीज, लैटिन वर्ड एवीज का मतलब बर्ड। ऐसे सभी प्राणी जो कि टिपिकली फ्लाई करते हों उनको इसके अंतर्गत रखा जाता है। टिपिकली फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स हैं, कवर्ड विद फेदर्स, इनका शरीर फेदर्स से ढका रहता है। इनके फोर लिम्स विंग्स के रूप में मॉडिफाइड होते हैं, इनमें चोंच पाई जाती है और चोंच में किसी प्रकार के दांत उपस्थित नहीं होते। इनका हृदय 4-chambered होता है। ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, इनको सामान्यतः बर्ड्स कहा जाता है। इनकी 9,000 स्पीसीज ज्ञात हैं, उदाहरण कोलिम्बा, गैलस, स्ट्रुथिल, अफ्रीकन ऑस्ट्रिच, कुछ कई सारे इसके जितने भी पक्षी हैं वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं। क्लास 4 मैमेलिया, लैटिन वर्ड मैमा यानी कि ब्रेस्ट। इनके इन प्राणियों का जो शरीर है वो हेयर्स द्वारा ढका रहता है, स्किन ग्लैंडुलर होती है। फीमेल में मैमेरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो कि नवजात शिशुओं को मिल्क के रूप में अपना पोषण देती हैं। हार्ट 4-chambered होता है, ये वार्म ब्लडेड हैं, ये एयर ब्रीदिंग वर्टिब्रेट्स हैं। इनकी 4,500 स्पीसीज ज्ञात हैं, उदाहरण इकिडना, मैक्रोपस, रेटस, होमोसेपियन यानी कि मैन, ये सब मैमल्स में आते हैं। आज हमने ऑडेटा के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।